मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जनपद पंचायत बरघाट में प्रोटाल उड़ रही धज्जियां। रिक्यू आभा रहेंगाले की मनमानी। जिले की जनपद पंचायत बरघाट में भाजपा की जनपद सदस्य श्रीमती आभा जितेंद्र रहेंगाले के पति जितेंद्र की मनमानी चरम पर है। जब से आभा जनपद अध्यक्ष बनी है तब से हर कार्यक्रम में उनकी जगह पति मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं। सारे जनपद में अधिकांश निर्माण कार्य जितेंद्र अपने कृपा पात्र ठेकेदारों को दे रहे। जनपद पंचायत द्वारा विगत दिनों मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में भी जितेंद्र ने जमकर मनमानी की, जहां दुल्हों को 150 रुपये की दर से खरीदे गए कुर्ते देकर बिल का भुगतान 1500 प्रति कुर्ते की दर से कराया गया। इसके साथ ही खाने के लिए 10,000 लोगों की व्यवस्था का बिल लगाया गया, जबकि कार्यक्रम में मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं थे। सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े जनपद अध्यक्ष के पति इतने बेलगाम हो गए हैं कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं है। विगत दिनों गोडेगांव में गौशाला निर्माण भूमि पूजन के लिए लगे शिलोयंस के पथ में सांसद धालसे बिसेन, विधायक अर्जुन ककोडिया, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डेहरिया के नाम जनपद अध्यक्ष आभा रहेंगाले के नीचे अंकित है, जो प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है। पवित्र पावन भूमि में मां भगवती गौ माता के निमित्त गौशाला का बहुत अच्छा प्रांगण लोकार्पण के निमित्त तैयार हो चुका है, जिसका आज सुंदर अनावरण कर विष्णु चा विष्णु पर्वत मानस्य निमित्ताय भवन प्रांगणे च निर्मित कार्य चा सर्व मंगलांचा निमित्ताय भगवती चा संप्रदे माँ भगवती धरती को प्रणाम करते हुए इस जगह में रहन बसेरा, इस जगह में आना जाना और इस जगह अभी तो पेंट होगा, यहाँ पे लगा दो, पीछे लगा दीजिएगा, किसी का हाथ सबसे ऊंचा। अच्छा जैकेट।